दो बड़े सवाल खड़े होते हैं कि जो पूरी यात्रा में डरो मत डरो मत डरो मत का नारा लगाते थे, इस कर्म भूमि से ही डर कर क्यों चले गए थे? क्यों अमेठी छोड़कर वायनाड चले गए थे? और क्या उनकी कर्म भूमि वायनाड कभी नहीं रही? एक और सवाल अभी ये खड़ा होता है। इसका मतलब वायनाड में जाके भी उनका दिल वहाँ लगा नहीं। अब वहाँ का हार का डर सता रहा है, तो वापस अमेठी की ओर रुक किया तो वहाँ से भी हार ही दिखी। अब रायबरेली आए हैं, यहाँ भी हार ही होने वाली है। अब लोग बोलेंगे भागो मत राहुल, भागिए मत राहुल जी। मैं इतना ही कहूँगा, अगर देश की सीमाओं पर 6800 किलोमीटर सड़क किसी ने बनाई, सीमा सरहद को सुरक्षित किया, एक इंच भूमि भी भारत की नहीं जाने दी, सेना को सशक्त किया, जब राफेल जेट से लेकर तेजस एयरक्राफ्ट दिए, आईएनएस विक्रांत जैसे युद्धपोत दिए, ब्रह्मोस जैसी मिसाइल से लेकर अन्य हथियार भारत में बनाकर भारत की सेनाओं को सशक्त किया, भारत की सेना के साथ खड़े रहे, तो कांग्रेस के नेताओं से हमें ज्ञान नहीं चाहिए, जिनके समय हज़ारों किलोमीटर भूमि पंडित नेहरू जी से लेकर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के समय तक ले गए चाइना, पाक अधिकृत कश्मीर बना तो कांग्रेस के ज़माने में बना। यही नहीं, अगर कच्चा थी वो आइलैंड भारत की भूमि श्रीलंका को देने का काम किया तो कांग्रेस के ज़माने में हुआ। कांग्रेस ने देश के हितों के साथ खिलवाड़ किया है, देश को नुकसान किया है, और कम से कम कांग्रेस से तो हमें ज्ञान नहीं चाहिए। कांग्रेस हार के डर से भय भ्रम फैला रही है और अब तो डीप फेक का सहारा ले रही है। एक फर्जी पार्टी फर्जी वीडियो बनाने तक आ गई, फेक न्यूज़, फेक वीडियोस और इनका फेक चेहरा आज देश के सामने बेनकाब हुआ है कि कांग्रेस किस स्तर तक और विपक्ष किस स्तर तक गिर सकता है कि फेक और डीप फेक वीडियोस बनाएंगे, उसका प्रसार करेंगे और किसी भी ओछे हथकंडे तक। मैं जब कहता था कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में कहीं ना कहीं विदेशी हाथ भी दिखते हैं, तो सबने क्यास यही लगाए थे कि ये जो लोगों की संपत्ति, क्या ये सुरक्षित रहेगी? क्या स्त्री धन सुरक्षित रहेगा? 7 दिन हो गए खड़गे जी और राहुल गांधी जी ने आज तक शपथ पत्र नहीं दिया कि क्या स्त्री धन सुरक्षित रहेगा, क्या देश की संपत्ति जो जनता की सुरक्षित रहेगी, क्या उनकी मृत्यु के बाद उसके ऊपर कब्जा तो नहीं कर लिया जाएगा। इस पर कांग्रेस ने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने पूछा था कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने कहा है कि पहला हक अल्पसंख्यक का विशेष तौर पर मुसलमान समुदाय का है, तो क्या खड़गे जी राहुल गांधी जी इससे सहमत हैं कि लोगों की संपत्ति क्या दे दी जाएगी? तो इस पर इनका कोई जवाब आया नहीं। इससे देश के लोगों को स्पष्ट हो गया है कांग्रेस क्या सोच रही है।